अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी सब के। मैं और उदय भी आए हुए हैं आज कटिंग करवाने के लिए। सलाल और रमदान घर पे हैं और उदय भी बड़ी खुश होती है जिस दिन भाई घर जी रह जाए ना। कहती है मैं और मामा हम दोनों अकेले इंजॉय करें। चलिए उदय भी, हमें ऊपर जाना है और वीकेंड है ना, वीकेंड की वजह से रश भी लग रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं। इतनी गर्मी है, मैं तो दिन टाइम में बहुत ही कम निकलती हूँ, लेकिन आज मैं मुझे पता था, मैंने कहा सैलून पे रश होगा तो ज़रा जल्दी चलते हैं, तो इसलिए मैं फिर उदय भैया को लेके आ गई हूँ। जल्दी चलें उदय भैया। उदय भैया कुछ भी खा के नहीं आई, घर से ऐसे ही आ गई है। तो आते ही मैंने उदय भैया से कहा पहले तो आप मिल्क पिए ना, उसके बाद हम कटिंग करवाएंगे। तो उदय भैया स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रही है अभी। यस, लेकिन घर में भी स्ट्रॉबेरी मिल्क पड़ा हुआ था, वहाँ तो आपने नहीं पिया, यहाँ से आपने आके, क्योंकि आपको पता था ना अभी मैंने आपकी कटिंग नहीं करवानी थी अगर आपने मिल्क नहीं पीना था। कम लेट्स गो ऑन फर्स्ट फ्लोर। आ जाए फिनिश कर ले, आज रश होना है क्योंकि वीकेंड है और बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं और अभी पेरेंट्स बैठे हुए हैं वेटिंग में। काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं अभी। उदय भैया की फाइनली कटिंग स्टार्ट हो गई थी और जल्दी हमारी बारी आ गई, उनके और स्टाफ मेंबर आ गए थे। और उदय भैया की कटिंग की शेप नहीं मैंने चेंज करनी, मेरा दिल है उदय भैया कि मैं बाल लंबे रखूं, और बस थोड़ी सी ट्रिमिंग मैंने नीचे से करवानी थी। मैंने कहा बाल ज़रा अच्छे लगते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ना। कटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा ली है जी, और अब हम थोड़ा घूम लेते हैं, माँ बेटी थोड़ा घूमते हैं। कटिंग अच्छी हो गई है, दिखाएं आप, ऐसे मूव करें, पीछे से करें मूव, पीछे से ऐसे, अच्छी हो गई है कटिंग, अच्छी लग रही है। आ जाएं। जाते जाते हमने पहना है अमृत से भी एक, इतनी अच्छी हमें चीज़ पसंद आ गई और वो हमने ले ली, घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा देवी ये आप पकड़े, हमें ये शूज़ भी अच्छे लग गए, हमने ये शूज़ भी ले लिए हैं, ये भी घर जाके आपको दिखाएंगे। और अब उदय भैया कह रही है कि मुझे लग गई है भूख, और उदय भैया को तो फूड कोर्ट के पास से गुजरते ही भूख लग जाती है ना। देवी जब आप फूड कोर्ट के पास से गुजरती है तो आपको स्टार्विंग ऐसे फील होता है। अच्छा पिज़्ज़ा के एफ सी, चलो हमें इधर से अभी कुछ खाते हैं। फुल हुआ पड़ा है, आज हॉलीडे है ना, तो देखो फूड कोर्ट बिल्कुल फुल है। एनी हॉल देखते हैं बेटा, कम और दविया की भूख का इलाज, आपको बड़ी भूख लगती है। दविया का केएफसी खा रही है, चल जल्दी से खा लें, भाई और रमदान भाई घर में वेट कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या कारफोर का चक्कर लगाया, और कारफोर से उदय भैया ने कलर लेने थे, एक पाउच लेना था, पाउच तो पसंद नहीं आए लेकिन कलर पसंद आ गए, कलर लिए। और मैंने कहा अब आगे बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, छुट्टियों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हम बाहर से खा लेते थे, जबकि स्कूल में बच्चों को लंच मैं खुद घर में बना के देती हूँ बर्गर वगैरह, तो उसके लिए बंस लेने थे, बच्चे साथ क्रोसन सफ़न टाइप लेके जाते हैं, बिस्किट लेके जाते हैं, तो उसके लिए फिर केचप वगैरह और घर की ग्रोसरी मैंने कर ली। और स्पेशली डिश वाशर जो हमने लिया है उसके लिए जो टैबलेट थी, पहले तो उन्होंने एक पैकेट साफ दिया हुआ था। डिश वाशर का एक बात है कि उसमें जो हम आम लिक्विड बर्तन धोने के यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल नहीं होता, उसमें ये जो नज़र आ रही हैं आपको ये टैबलेट यूज़ होती हैं, कैप्सूल भी कहते हैं टैबलेट भी, ये यूज़ होती हैं। और उसमें साल्ट भी 1 मंथ में एक दफ़ा डालना पड़ता है, तो अभी हमारी तो इतनी यूज़ नहीं हुई, 2 दफ़े मैंने उसको यूज़ किया। हमारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो मैं वीक में जिस दिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ वीकेंड पर तो उस दिन मैं डिश वाशर यूज़ कर लेती हूँ। अभी तो हमने लिया, एक वीकेंड गुजरा है, तो उस वीक में भी हमने 2 दफ़ा धो ली हैं। तो ये हमने लिया। पीछे सलार की कॉल आ गई कि मामा, वो मुझे ईमेल आई है कि मुझे जो कलर मेरा पी
का था वो मुझे नहीं मिला, तो मुझे अपनी जो यूनिफॉर्म ली है उसकी शर्ट चेंज करनी है, तो आप लोग जल्दी घर आ जाएं। तो बस फिर उदैविया से मैंने कहा उदैविया जल्दी जल्दी चलें, अब एक और शारजे का चक्कर भी हमें पड़ जाना है। अर्शी इतना कतराते हैं शारजा जाने से, और जितने ही वो कतराते हैं उतना ही उन्हें किसी ना किसी वजह से जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल के यूनिफॉर्म की ब्रांच है ही वहाँ। तो बस हमने फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग की, और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आप घर चलते हैं, क्योंकि आगे लेट हो जाएंगे, जो आगे यूनिफॉर्म की शॉप है वो भी 8:30 तक उनकी अपॉइंटमेंट होती है ओपन, तो वो 9:30 तक भी रहती है, लेकिन वो फिर कस्टमर को अंदर नहीं जाने देते। तो बस हम लोग अभी घर की तरफ ये जा रहे हैं आपके सामने, और मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है जिसकी वजह से ट्राली चलाना इतना मुश्किल था ना, तो अब घर जाके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या लिया। हम लोग वापस घर आ गए हैं और हमने ये शॉपिंग की है, आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये शूज़ देखें, इतने ये क्यूट शूज़ मिले हैं ना, इसमें 2-3 कलर थे, और लेकिन मुझे ये पसंद आया, ये पिक्चर में इतना अच्छा, वीडियो में पता ही ना लगे पिंक, लेकिन ये अच्छा पिंक है। और ये 40 मैंने साइज़ लिया है, इसलिए लिया है कि ये शूज़ ऐसे होते हैं कि बच्चे भी पहन लेते हैं घर के अंदर, किचन में, बाथ में जाने आने के लिए, तो ये मैंने लिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ ले लिया 40, लेकिन थोड़ी सी लेंथ में बड़ा था, बाकी मुझे ठीक है। तो ये इस तरह से ना मैंने कहा चलें काम आएंगे, ये दूर से इनकी लुक देखें। उसके बाद ये टेबल पे रखने के लिए मैं बड़े अरसे से ना इसकी तलाश कर रही थी, ये उन्होंने ना मुझे ये बबल्स वाले रैपर में ना पैक करके दिया, तो अभी मेरे हाथ पे आई लग गई ये चोट, इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं करी। हमदान को कहती हूँ इसको ओपन करके दिखाएगा। और ये उदैविया इनका स्कूल अभी ओपन हो रहा है, तो ये लंच में उदैविया केक बार लेके जाती है वो है। और ये बच्चों के कलर, उदैविया ने ये कलर लिए हैं स्टेडलर के, फिर ये वो ट्रांसपेरेंट क्लियर टाइप एडहेसिव रोल, ये बुक के ऊपर शीट चढ़ाते हैं ना बच्चे, तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी है, डिफरेंट ब्रांड की है लेकिन ये अच्छी रहती है। और उसके बाद ये है जी कुकम्बर खीरे, फिर ये ड्रिंक्स तो मस्ट हैं, दान निकाल लिया ये देखें जी इस तरह से, हमदान का फेस ही इसमें नज़र भी आ रहा है। और ये इस तरह से इसकी ट्रे की लुक है, ये टेबल पे रखने के लिए आप इसमें कोई चीज़ भी रख लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम टाइप ये मैंने लिया है। और उसके बाद ये हैं जी बच्चों के बंस लिए हैं, बर्गर आगे ये बना के तो वो लंच में लेके जाते हैं वो लेके आई हूँ, फिर ये भी सैलड के लेके आई हूँ बर्गर के अंदर, ये भी डालती हूँ। उसके बाद केचप, उसके बाद जी ये मायोनीज लेके आई हूँ। उसके बाद है जी ये फिर ली है ये, उसके बाद ये अनार है, उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी मिल्क है, ये भी उदैविया लंच में लेके जाएगी, लेके आती हूँ, वीक के ले लेते हैं ना क्योंकि डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, तो फिर जब नेक्स्ट वीकेंड आता है तो फिर और ले लिए। तो ये और उसके बाद उदैविया का ये शैम्पू, उदैविया ये यूज़ करती है जॉनसन का, ये 2-in-1 है, कंडीशनर भी और शैम्पू भी दोनों, ये अच्छा है। और उसके बाद ये एक नई चीज़ आई है जी, ये फिनिश के वो 1-in-1 डिश वाशर के लिए टैबलेट्स हैं, ये भी ऑफर में लगे हुए थे अच्छे फिनिश, ये ब्रांड है तो इसके मिलाई हूँ। तो ये हमारी शॉपिंग है जी उदैविया की और मेरी, जो हम लोग करके ला बस यही है, घूमते तो हम काफ़ी रहे हैं उदैविया, है ना बैठे ना, और हमने इधर से फिर KFC खाया उदैविया ने और मैंने, और हम लोग फिर हमें भूख लग गई थी। और आप लोग क्या करते रहे हैं, आप लोग ऐसे ही मौजे करते रहे घर में, गेम खेलते रहे, क्या करते रहे आप, दाल क्यों, आपने करेले और मटन बना हुआ था, दाल आपने क्यों खा रही थी, और ये बैग उठाए हमदान और अपने स्कूल की तैयारी करे, अभी हमारी बुक्स इसमें, अभी नोटबुक्स वो शाम को एक्सचेंज कर लेते हैं ना, एक्सचेंज करके तो फिर अभी इसमें नोटबुक तो है नहीं, ना नोटबुक आपने स्कूल से रिसीव की है और ना ही टेक्स्ट बुक अभी आई है, ये वाली जो है वो तो आप ले जाए ना बैग में, आपने भी बुक नहीं अपनी डाली सारा, मैंने बस अपनी रफ बुक डाली है जो, चल तैयारी करें जी स्कूल की तैयारी कर लें, बैक टू स्कूल हो गया जी। आज कारी साहब, हाँ सच आज छुट्टी थी ना, मेरे माइंड में नहीं था कि कारी साहब नहीं आए। और सलार ये अभी चीजें बेटा किचन में ले आए, मेरे से नहीं उठाई जाती है, और ये तो मैंने दिखाई नहीं है आपको, ये मैंने लिया है बेसिकली पिज़्ज़ा कटर जिस शेप के होते हैं ना वो मुझे नहीं शेप अच्छी लगती, तो ये मैंने लिया है, ये बेसिकली पिज़्ज़ा सर्वर टाइप बना हुआ है, ऐसे ऐसे पिज़्ज़ा किसी को देना हो तो आप काट के भी साथ से तो ऐसे उठा के दे सकते हैं, पिज़्ज़ा सर्वर, लेकिन मैंने इसलिए लिया है कि ये पिज़्ज़ा कटर के तौर पर मैं यूज़ करूँगी। तो ये शॉपिंग थी,
रवि आप भी भाई की हेल्प करें, मुझे पेन हो रही है, मुझे बैंडेज भी ला दें, मैं लगाऊं जरा ना। इट्स टू हैवी, वन बाय वन लेके आ जाए ना। आप भी वन टाइम सारे से उठा के लेके आ रहे, रख दें। हाँ डिश वॉशर इधर नीचे रखें, ये तो पहले ही फुल हुई पड़ी है। और ड्रिंक्स इधर रैक में रख दें। लो जी हम लोग फिर बाहर आए हुए हैं, वो बच्चों का यूनिफॉर्म चेंज करना था, सलार की मेल आ गई कि वो नहीं यूज़ हो सकता, उसकी जो शर्ट जो पहले ली थी। तो अभी फिर हम ये रामीज मॉल में आए हैं दोबारा, और यहाँ से फिर बच्चों की कुछ चीज़ें लेने वाली रहती थी। पर ये मुझे एक पौधा सा पसंद आ गया, घर जाके आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ तो जल्दी जल्दी आए हैं, लेट भी काफ़ी हो गए हैं। बल्कि अर्शी और सरार आप चलाएँ हम धाम, मैं साथ वीडियो बना रही हूँ। रविया आज से इंजॉय किया रविया ने। वो इस कार डेट साइड आइए, बटर स्कॉच आइसक्रीम। यस बटर स्कॉच। आप ने आज से पहले आप और मैं कार फोर गए हैं, अभी आप इधर आ गई हैं है ना। तो ये देखें जी, भाई सलार को बुलाएं ना, रविया भाई सलार को भेजें, सलार रखें बेटा सामान। आप किधर थे कब के, गाड़ी में आके बैठे हुए थे? अच्छा रखे रखे, और सलार को, हाँ सच है सलार को मैच था ना आज, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना। सलार क्या बांध रहा है, क्या कंडीशन है? सही है, सो सो है। चलें जो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ फिर वही होगा कि पाकिस्तान जीता है या इंडिया जीता है। कर रहे थे तुमने कहा था 147 और ये चल रहा है जी, इंडिया पाकिस्तान की ये कमेंट्री सुन रहे हैं रेडियो पे बैठ के। शक नहीं है कि उस बात को आके सलार और रशीद भी जल्दी जल्दी आ गए थे अंदर, चाहे पाकिस्तान की गेंद। और कमेंट्री सुनते सुनते रास्ते में पाकिस्तान मैच हार गया। चलें कोई बात नहीं, सलार को टेंशन, प्रेस करके रखे हमें भी आने दे, वेट एक साथ चलते हैं। आ जाए अमदान, वेट करें ना, आपको क्या टेंशन है, अब जो होना था वो तो हो गया है। अभी आज बड़ा होगा यहाँ भी लेबर कैंपों में ना। सही, चलें 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 जी, सुबह स्कूल जाना है इसलिए हम लोग आ गए हैं जल्दी, वरना हम कहाँ 10:15 शॉपिंग करके तो वापस आते हैं। हम दान टेबल पे रखे हैं उठा के ये सारी चीज़ें, और ये मैं लाई हूँ ऑरेंज एप्पल, पाकिस्तानी एप्पल मुझे मिले हैं। बहुत कम यहाँ इस तरह होता है कि पाकिस्तान के एप्पल ना नज़र आएँ, तो इस दफ़ा ये देखें इन्होंने पाकिस्तान के एप्पल थे रमीज मॉल में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये एप्पल पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम तो देख के ऐसे होता है ना कुछ दिल में, तो ये बच्चों के लंच के लिए, ये भी बच्चों ने एस्टर और बिस्किट। और ये मैं लाई हूँ, एक टेप मुझे मिली है, ये सिल्वर से कलर की टेप है, तो मैंने कहा वहाँ हम लगा लेंगे। वो देखें कुकर हुड के ऊपर दूसरी टेप लगाई हुई है, ये सिल्वर है उसके साथ अच्छी मैच हो जाएगी ये। और उसके अलावा ये खुबानी लाई हूँ, ये भी हमदान मेलन स्वीट शौक से खाता है, ये एप्रिकॉट और बिस्किट। और एक और चीज़ ये उदैबिया ने कहा कि मुझे मेहंदी ले दें, मैंने मेहंदी लगानी है, उसे मैं मेहंदी के स्टिकर लाई हूँ, तो अब उदैबिया को मैं ये लगाऊंगी, और वो भी ये भी एक्सपीरियंस करूँगी कि ये जो स्टिकरों वाला आजकल काम चला हुआ, मैंने आज तक नहीं किया कि स्टिकर लगा के तो वो फिलिंग करते हैं तो वो डिज़ाइन बन जाता है कुछ इस तरह से, तो ये जब मैं करूँगी तो फिर आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और उसके बाद ये जी इलायची, ये इलायचियाँ और चलगोज़े, इनकी सेम प्राइस है, ये एक इतनी प्राइस की हैं। और ये सलार ने परफ्यूम लिए हैं दो, और उसके अलावा ये फिर मैं एक पिज़्ज़ा कटर लाई हूँ, एक मैं आज कारफोर से लाई हूँ, वो मैंने कहा चलो वो पिज़्ज़ा वो सर्वर था बेसिकली, ये तो फिर पिज़्ज़ा कटर है ना, तो ये इस तरह से ये मेरे रमीज मॉल से, ये भी मुझे अच्छा लग गया, हैवी ड्यूटी लग रहा है, काफ़ी हैवी है, वैसे तो लाइट वेट होते थे ना वो मुझे नहीं अच्छे लगते उस चीज़ के। और उसके अलावा ये बर्गर, बच्चों के अब स्कूल ओपन हो गए हैं तो बस ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं लंच में, यही जो बच्चे शौक से खाते हैं। और ये भी पाकिस्तान के KNN के शामी कबाब, मैंने कहा ये भी मैं ट्राई करती हूँ, एयर फ्रायर में ट्राई करती हूँ। और मेरा फेवरेट तरबूज,
अगले दिन मेरी सिस्टर ने मैसेज किया मुझे, मैंने पिक्चर भेजी कि ऑरेंज खा रही है, तो वो कहती है ऑरेंज और तरबूज का अभी तक सीजन है आपके कंट्री में। मैंने कही हाँ, तो दुबई में तो पूरा साल ही चलता है। और उसके अलावा मैं जो चीज़ लाई हूँ वो है जी, ये इतना अच्छा मुझे ये लगा है ना, मैंने कहा ये आजकल आपको पता है इनडोर प्लांट्स जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हमने तो एक दफ़ा रखा है तो उसमें छोटे छोटे कीड़े आ गए, फिर हमने मेडिसिन भी डाली लेकिन वो कोई नहीं निबलने वाला काम, हमने भी छोड़ दिया। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट है, देखने में लगता है ना ओरिजिनल है, तो ये आर्टिफिशियल प्लांट लाई हूँ ये मैं। अब देखें इसको मैं कहाँ रखती हूँ और इसका क्या करती हूँ। फिलहाल तो मैं ऐसे ही लाई हूँ, मुझे अच्छा लगा है तो मैं लेके आ गई हूँ। तो ये हमारी शॉपिंग है दान बेटा, अभी आप इनको फ्रूट को मैं धो के रखती हूँ, बाकी चीजें आप लोग अपनी संभाल लें, ठीक है ना। तो अभी आप मुझे पकड़ाएं, ये बर्गर मुझे पकड़ाएं ना, मैं फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज की भी जो सफाई क्लीनिंग है वो करने वाली है, ऐसी बस फ्रिज में भी सारी चीजें रखी हुई है। मुझे इतनी नींद आई पड़ी है ना आज, पता नहीं क्यों, नहीं तो हम लेट सोते हैं, पता है सुबह स्कूल की टेंशन है बच्चों की, कि बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे है, जिसकी वजह से ये चिकन बर्गर मैं डिफरेंट ब्रांड के लाती हूँ। देखिए ये अल इस्लामी के और ये प्राइम के, और उससे पहले मैंने ये सादिया के ला के रखे हुए, तो मैं हमेशा डिफरेंट ब्रांड ही ट्राई करती हूँ। दविया और फ्रीजर में रखने की कोई चीज़ तो नहीं है? नहीं। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू आपका। अभी वो मैं खोलने लगी हूँ कटर, पिज़्ज़ा कटर, तो उस का ऊपर एक रबड़ लगा हुआ था, उसको मैं नाइफ से काट करने लगी हूँ, तो वो मुझे एक और जगह ज़ख्म हो गया है। तो ये अभी इस फिंगर पे मैंने बैंडेज लगाया है, तो अल्लाह खैर ही करे, खैर की रात दिन गुजरे। तो ये मेरा था जी आपका और मेरा आज का दिन, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।